तो बढ़ते कोरोना के मामले के मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू कर दी गई है। 144 लगाने के बाद करीब 800 टीम बनाकर लोगों पर निगरानी भी रखी जा रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह अनाउंसमेंट भी हो रहे हैं। उन्हें मास्क लगाने और कोरोना नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। बीते 24 घंटे में गौतम बुद्ध नगर में 17 कोरोना के केसेस आ चुके हैं। गौतम बुद्ध नगर में एक बार फिर बढ़ते कोरोना का प्रकोप दिखाई दे रहा है। अगर बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू कर दी गई है और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग को बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो मुंह पर मास्क लगा कर निकलें और सार्वजनिक जगहों पर, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अगर पहुँचे तो एहतियात करते। सबसे बड़ी बात है कि जैसे मामले बिल्कुल कम हो गए थे, अब धीरे धीरे मामले फिर बढ़ते नजर आ रहे हैं। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 17 मामले नए सामने आए हैं और टेस्टिंग फिर से एक बार बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ वैक्सीनेशन वो भी बढ़ा दी गई है। अगर बात करें तो 800 निगरानी टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग जगह से आने वाले लोगों पर विशेष नज़र रखी है, खास तौर पर उन लोगों पर जो बाहर से फ्लाइट या ट्रेन से गौतम बुद्ध नगर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और ये भी कोशिश की जा रही है कि सभी की रैपिड टेस्टिंग कर लोगों को ये बताया जाए कि बढ़ते कोरोना में उन्हें किस तरीके से अपना बचाव करना है। इसके लिए अगर बात करें तो कमिश्नरेट ने भी जगह जगह अनाउंसमेंट सिस्टम शुरू कर दिया है। फिर भी हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो बहुत कम मास्क पहनते हुए दिखाई दे रहे हैं, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लोग इस बात से अवेयर भी नहीं है। इसीलिए लोगों को ये समझाना बेहद ज़रूरी है। यही कोशिश लगातार जिला प्रशासन कर रहा है और लोगों को समझाने की कोशिश भी कर रहा है। कैमरामैन सौरभ के साथ पवन त्रिपाठी, जी मीडिया, गौतम बुद्ध नगर।